हाय फ्रेंड्स, दिस इज आसिम, यू मे कॉल मी प्रिंस। इस बार मैं डिस्कस करूंगा सीपीसी का लैंडमार्क केस इफ्तिखार अहमद वर्सेस सैयद मेहरबान अली, 1974 का केस है। और इस केस में सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी इन्वॉल्व है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा को डिफाइन करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट पर बेस्ड है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोर्ट ने किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे जजमेंट या फिर किसी भी टाइटल पे अगर जजमेंट दे दिया है, तो सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर को लेकर के कोई भी नया फ्रेश सूट किसी भी कोर्ट में, या चाहे वो खुद उसी कोर्ट में हो या फिर अदर कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में हो, फ्रेश सूट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। हाँ, अगर उसको लगे कि जजमेंट उसके फेवर में नहीं है या फिर जजमेंट में कुछ खामियां है, तो वो अपील कर सकता है, लेकिन फ्रेश सूट अप्लाई नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलते ये पेन है और राम और श्याम दोनों को इस पेन को लेकर डिस्प्यूट है। राम ने कहा मेरा पेन ही है, श्याम ने कहा मेरा पेन ही है, तो दोनों इस डिस्प्यूट के लेकर मान के चलते हैं कि रोहिणी कोर्ट जाते हैं और रोहिणी कोर्ट ये डिसाइड कर जाता है कि ये जो पेन है वो राम का है, तो श्याम जो है वो इसी पेन को लेकर के साकेत कोर्ट या फिर 30,000 कोर्ट या फिर दिल्ली हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट फ्रेश सूट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। वो अगर चाहे तो इस जजमेंट के अगेंस्ट में अपील कर सकता है, फ्रेश सूट अप्लाई नहीं कर सकता है। अब एसेंशियल ऑफ जुडिकाटा, पहला ये है कि सब्जेक्ट मैटर सेम होना चाहिए, या तो डायरेक्टली या फिर सब्सटेंशियली। दूसरा है कि पार्टी भी सेम होनी चाहिए। तीसरा है कि जो टाइटल है जिसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो भी सेम होना चाहिए। और चौथा है कि जो कोर्ट है वो कोर्ट कंपिटेंट कोर्ट होना चाहिए फर्स्ट और सेकेंड सूट दोनों को एंटरटेन करने के लिए। अगला है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा ये कहता है कि अगर एक बार आप किसी भी सूट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस सूट के लिए जितने भी एविडेंस आपके पास हो एक ही बार में लेके आ जाइए। ऐसा ना हो कि अगर आप उस सूट के अगेंस्ट में जितने भी एविडेंस लाते हैं, उस एविडेंस के लाने के बाद भी अगर आप हार जाते हैं, तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा नया फ्रेश सूट अप्लाई करने के लिए, इस ग्राउंड पे कि मेरे पास कुछ ऐसे एविडेंस थे जो मैंने पिछली बार सबमिट नहीं किया था, अब मैं लेकर के आया हूँ। यानी कि आपको मौका सिर्फ एक ही बार मिलेगा एक सूट को फाइल करने के लिए, सेम सब्जेक्ट मैटर पर सेम टाइटल पर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आप सिर्फ अपील कर सकते हैं इसके अगेंस्ट में, लेकिन फ्रेश सूट अप्लाई नहीं कर सकते। अब आते हैं इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट पे। इस केस का जो फैक्ट है वो ये है, मान चलते हैं इस केस में क्या होता है, एक मॉर्गेज होता है। मान चलते हैं ये प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज है, और ये प्रॉपर्टी जो होता है वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होता है। इस प्रॉपर्टी के लिए दो पार्टी होती है, एक पार्टी में तीन लोग होते हैं, इश्ताक अहमद, के फातिमा और मोहम्मद अली, ये को प्लेंटिव होते हैं। और दूसरे पार्टी में अदर होता है जो मॉर्गेजी होता है। तो कोर्ट का ये डिसीजन आता है इस केस में कि ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इश्ताक अहमद को दिया जाता है। तो ये केस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर क्या होता है कि ये जो तीनों को प्लेंटिव थे, इश्ताक अहमद, के फातिमा और मोहम्मद अली, इस तीनों के बीच में डिस्प्यूट होता है इसी पेन को लेकर के। और के फातिमा और मोहम्मद अली ये कहते हैं कि नहीं, ये पेन तो मेरा है, तुम्हारा नहीं है। तो फिर से एक सूट के फातिमा और मोहम्मद अली सूट फाइल करती है इश्ताक अहमद के अगेंस्ट में, इसी पेन यानी इसी टाइटल को क्लेम करने के लिए। तब जब ये मामला कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट ये ऑब्जर्व करता है कि ये जो पेन है, इस पेन का डिसीजन इससे पहले वाले सूट में हो चुका है, और कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि ये जो पेन है वो इश्ताक अहमद का है, इसलिए अब दोबारा जो है इस पेन मतलब कि इस प्रॉपर्टी के टाइटल को लेकर के दोबारा नया सूट जो फाइल किया गया है वो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा का अल्ट्रा वायर है। यानी कि अब ये जो सूट है इंटरटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सूट इस सूट को पहले ही इंटरटेन कर लिया गया है और ये मामला सेटल हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इस मामले में जो चार एसेंशियल ऑफ रेस जुडिकाटा थे, उस चारों एसेंशियल को फुलफिल किया गया है, इसलिए अब ये जो है बार फ्रॉम डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, अब दोबारा इसी सब्जेक्ट मैटर पर केस को इंटरटेन नहीं किया जाएगा, और इस तरह से मैटर जो है क्लोज हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।
आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ गलती रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आगे सुधार कर सकूँ। थैंक यू सो मच।